नमस्ते। आज मैं आपसे नक्षत्र के बारे में बात करूंगी, क्योंकि नक्षत्र जो होते हैं वो हमारे अंदर के व्यक्तित्व को, हमारे स्वभाव को बतलाते हैं। क्योंकि ग्रह उतना काम नहीं करेंगे जितना ग्रह जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र से रिलेटेड चीजों को करेंगे, उस नक्षत्र से रिलेटेड ही चीजों को बताएंगे। क्योंकि 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में बांटा गया है। तो जो सबसे पहला नक्षत्र आता है, जिस जिस ग्रह को सबसे पहला औदा मिला है, वो है केतु। केतु का जो नक्षत्र है वो है अश्वनी। अश्वनी का मतलब क्या होता है? दो जो अश्वनी कुमार, क्योंकि ये सूर्य के ही पुत्र हैं अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार को एक ऐसी विद्या प्राप्त थी जिससे वो लोगों का उपचार कर सकते थे। तो जो अश्वनी है, अश्व मीन्स घोड़ा, घोड़ा क्या होता है? रफ्तार वाला होता है। तो जिसका नक्षत्र अश्वनी होता है वो दूसरों को ठीक करने की क्षमता भी रखते हैं। उनकी तेजी, जो रफ्तार होती है, जो चलने की आदत होती है, वो थोड़ी रफ्तार भरी होती है। काम करते हैं वो भी बहुत तेजी से करते हैं। लेकिन ये केतु का नक्षत्र है ना, तो केतु कैसा है? जल्दी सेटिस्फाई नहीं होता, होने देता है चीजों को। तो यहां पर ये लोग कुछ भी कर लें, बोल लें, उन्हें कुछ भी आता हो, कुछ भी चीजों को समझते हो, क्योंकि केतु कैसा है? उसका धड़ है, सर तो है नहीं समझने के लिए। तो ये फील कर कर, जब तक इनको वो चीज फील नहीं होगी, महसूस नहीं होगी, तब तक उस चीज के ऊपर विश्वास भी नहीं करते हैं और उस चीज से वो सेटिस्फाई भी नहीं होते हैं। क्योंकि जो अश्वनी नक्षत्र है वो मेष राशि में आता है। तो अश्वनी नक्षत्र जिसका भी होगा उसकी राशि मेष होगी। मंगल का स्वभाव आ गया। मंगल कैसा? आक्रामक वाला है, तेज है, थोड़ा सा मतलब लोगों के ऊपर अपना रुबाब दिखाने वाला है। क्योंकि मंगल सेनापति भी है, वो चाहता कि वो चले, उसके पीछे लोग चले। तो यहाँ पे जो मंगल और केतु का जो स्वभाव है, वो व्यक्ति के अंदर अगर कुंडली में भी मंगल और केतु खराब हो जाए, तो मंगल जो है वो रिश्तों में, बड़े फैमिली में दरार ला सकता है। केतु अगर खराब हो जाए तो व्यक्ति चीजों से सेटिस्फाई जल्दी नहीं होता है। थैंक यू।